हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल का हलवा। तो देख लेते हैं इसके लिए जो सामग्री लगेगी। यहाँ पर मैंने 2 कटोरी मूंग दाल ली है। इसे अच्छे से धोकर 4 घंटे के लिए मैंने इसे पानी में भिगोकर रख दिया था। 2 कटोरी शक्कर लिया है, 2 कटोरी घी, 1 कटोरी मावा, 1/2 कटोरी ड्राई फ्रूट, 1 चम्मच इलायची पाउडर। जितनी हम दाल ले रहे हैं उसके बराबर में हमें शक्कर, घी और पानी को यूज़ करना है। सबसे पहले हम दाल का एकदम बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। हमें दाल का इस तरह से पेस्ट चाहिए। गैस पर एक कढ़ाई रख देंगे, उसमें सबसे पहले सिर्फ 1 कटोरी घी डालेंगे, 2 कटोरी घी हम बाद में यूज़ करेंगे। घी हल्का गर्म हो जाएगा तब हम उसमें दाल डाल देंगे। गैस की फ्लेम हमें एकदम स्लो रखना है, स्लो फ्लेम पे ही हमें दाल को अच्छे से भूनना है। हमें दाल को 30 से 40 मिनट तक धीमी आंच पर हल्के हल्के भूनते रहना है और कंटिन्यू हमें इसे चलाते रहना है। हमारी दाल आधी भुन गई है, अब हम इसमें 1/2 कटोरी घी और डाल देंगे। दाल को हमें स्लो फ्लेम पे ही तब तक भुनना है जब तक दाल अच्छे से घी ना छोड़ दे। दाल अच्छे से भुन गई है, दाल ने घी भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें बचा हुआ बाकी का घी डाल देंगे और इसे 5 मिनट और भून लेंगे। दाल एकदम अच्छे से भुन गई है, दाल ने पूरा घी छोड़ दिया है, दाल का कलर भी बदल गया है। अब हम इसमें 2 कटोरी शक्कर डाल देंगे। शक्कर के अच्छे से मेल्ट होने तक इसको और भून लेंगे। एक भगोना ले लेंगे, उसमें 2 कटोरी पानी गरम कर लेंगे। इसमें ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे। पानी को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। पानी अच्छे से बॉईल हो गया है, गैस को हम बंद कर देंगे। अब गरम किया हुआ पानी हम हलवे में डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढककर धीमी आंच पर अच्छे से भुनने देना है। में ड्राई फ्रूट डाल देंगे, इलायची पाउडर डाल देंगे। इसमें मावा डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके गैस को बंद कर देंगे। हमारा मूंग दाल का हलवा तैयार है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।